जानेंगे कि खाद्य तेलों की क्या खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि खाद्य तेल के आयात को लेकर यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि भारत का खाद्य तेल आयात का आंकड़ा इस साल फिर गिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब भारत के खाद्य तेल आयात में गिरावट हो सकती है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल खाद्य तेल आयात करीब 12.9 मिलियन टन रह सकता है। आपको बता दें कि बीते वर्ष यही आयात 13.13 मिलियन टन था। वैश्विक बाजार में ऊंचे दाम के साथ ही इस साल देश में अच्छी तिलन पैदावार भी आयात को कम करने के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते साल से इस वर्ष 15 लाख टन तिलहन उत्पादन ज्यादा रहने से कम आयात का दबाव भी बाजार सहन कर पा रहा है। इससे पहले के दो वर्षों में तो लॉकडाउन और कमजोर उपभोग के कारण आयात मंदा पड़ा था। वहीं दूसरी ओर तेल बाजार से मलेशिया से अच्छी खबर आ रही है। भारत, ईरान, बांग्लादेश पाम तेल की खरीद के लिए मलेशिया के साथ वस्तु विनिमय व्यापार करने के इच्छुक हैं, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए मलेशिया ने पाम तेल निर्यात कर में कटौती पर विचार भी किया है। मलेशिया निर्यात कर में कटौती का प्रस्ताव को वित्त मंत्री को भेज दिया है। मलेशिया निर्यात कर वर्तमान में 8% है, जिसे घटाकर 4-6% तक किया जा सकता है। मलेशिया निर्यात कर कटौती अस्थायी हो सकती है और जून तक इसका फैसला संभव है। इधर मलेशिया खाद्य मंत्री के लिए पाम तेल की मांग को पूरा करने के लिए धीमी गति से बायोडीजल आदेश जारी करेगा। इससे मलेशिया वायदा 98 रिंगिट की गिरावट के साथ 6320 प्रति टन पर बंद हुआ। 25 अप्रैल के बाद का यह सबसे निचला स्तर है। इसके चलते पाम तेल के साथ अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। इंदौर में सोयाबीन तेल 15 रुपये टूटकर 1565 से 1570 रुपये पहुंच गया। वहीं पाम तेल इंदौर घटकर 1655 से 1660 रुपये प्रति 10 किलो रह गया। वहीं मूंगफली तेल में भी लेवाली कमजोर रहने से भाव में 20 रुपये की गिरावट रही। आपको बता दें कि मूंगफली तेल इंदौर घटकर अब 1620 से 1640 रुपये प्रति 10 किलो रह गया है। वहीं कपास खली में भी लेवाली बेहद कमजोर रहने से इसके भाव में गिरावट रही। तो यानी कि खाद्य तेलों का जो आयात है ये लगातार तीसरा साल होगा जब कम होगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। वहीं भारत सरकार अब मलेशिया के साथ समझौता कर रही है जिससे कि भारत में खाद्य तेलों की जो सप्लाई है वो हाल फिलहाल में ठीक ठाक बनी रहे, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से थोड़ी डगमगाई है।